गाइस आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग का इंस्टाग्राम के ऊपर रील जो डालते हैं वो वायरल क्यों नहीं होता है, कंटिन्यू भी रहते हैं फिर भी वायरल नहीं होता है। तो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और मैं पांच ऐसा ट्रिक देने वाला जिसको अगर जो आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो 100% गाइस आपका जो है रील्स वायरल हो जाएगा। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो काफी ज्यादा छोटा है और मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सा भरोसा कीजिए मेरे पे, मैं आप लोग का रील 100% वायरल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस बिना देर की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल के अंदर ब्लॉगिंग का चैनल है गाइस, तो उसके ऊपर भी हार्ड हार्ड ब्लॉग आने वाला है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइस देखिए मैं आप लोग को पहला ट्रिक बता रहा हूँ, पहला ट्रिक क्या है, ठीक है। आराम से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, ताकि यार आप लोग भी अपना रील्स जो है वायरल कर पाएँ। तो यहाँ पे करना क्या है, इंस्टाग्राम को खोलते हैं और गाइस यार यहाँ पे कई सारा रील देखने को मिल जाता है आप लोग को, ठीक है। तो देखिए कौन सा म्यूजिक के ऊपर आप लोग को रील बनाना है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो ट्रेंडिंग दिख रहा है, ट्रेंडिंग का निशान यही है गाइस, जिसके ऊपर एरो दिखेगा उसी के ऊपर आप लोग को उसी म्यूजिक के ऊपर रील डालना है, और उस म्यूजिक को सेव करके रखना है, उसके अंदर ही आके आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। और ट्रेंडिंग म्यूजिक ऐसा चूज कीजिएगा गाइस जिसका रील्स थोड़ा सा कम बना हो, ठीक है, 50,000 से कम बना हो, यानी 1,00,000 से कम बना हो, तो उसके ऊपर आप लोग रील बनाते हैं तो आप लोग का रील जो है वायरल होगा 100%, ठीक है, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। और एक और चीज़ गाइस, आप लोग जब भी अपलोड करते हैं अपना रील्स अपलोड करने से पहले वो आप लोगों का HD ढूंढता है, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कैपकट के अंदर, यहाँ पे आप लोग बहुत लोग VN से बनाते हैं, बहुत लोग कैपकट से बनाते हैं, तो कैपकट के अंदर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो रील्स मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जो कि अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया किस तरह रील भी बनाया जाता है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अगर जो रील्स है यहाँ पे आप लोग को किस क्वालिटी में डाउनलोड करके अपलोड करना है, ठीक है, क्वालिटी भी मैटर करता है गाइस काफ़ी ज़्यादा। तो ये ट्रिक नंबर 1 है, देखते रहिए। यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो आप लोग को HD का ऊपर देख रहा है 1080p लिखा हुआ है, इसके ऊपर टैप करना है। अगर समझ लीजिए आपका रील बन के रेडी हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर जो रील बनाना है तो पिछला वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ा वाला मैंने नॉलेज दिया है उसके अंदर और अच्छे से सिखा दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरी तरह, ठीक है गाइस। तो अब देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे HD निकाला जाता है। तो यहाँ पे 1080p लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस, अगर जो आप लोग का 8GB रैम है और 8GB रैम है तो आप लोगों को यहाँ पे 4K निकालना है और इसको 50 रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको इतना ही रखना है, ये तीनों मतलब इतना फोकस कीजिएगा। अगर जो आप लोग का 8GB रैम है, ठीक है, 8GB रैम है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इतना निकालना है, इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, 8GB रैम के लिए इतना बढ़ाएंगे, इसको 50, इसको भी फुल कर देंगे गाइस, नहीं तो 50 रख सकते हैं स्मूथ के लिए कि स्मूथ चलेगा और HD भी रहेगा, ठीक है। अगर जो आप लोग का 6GB रैम है और 6GB रैम से कम है फ़ोन के अंदर, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको 50 रखना है और इसको गाइस 1080 रखना है, ठीक है, तो ऊपर वाले को 1080 कर देते हैं। और ये चीज़ आप लोग को फोकस करना है गाइस, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मतलब 4GB रैम से 6GB रैम तक, ठीक है, इतना आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है गाइस। तो ट्रिक नंबर 1 था, आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, HD करना है और ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप की तरफ मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये 1 मतलब 1 वाला जो स्टेप है आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आराम से आप लोगों को बताया है, ठीक है, इसी टाइप से। अगर जो आप लोगों को कुछ भी नया लगता है, कुछ भी हार्ड लगता है, मैंने अच्छा नॉलेज दिया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना भी चैनल है मेरे अकाउंट के अंदर उसके चैनल को ओपन करके उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक के तरफ चलते हैं, ठीक है। तो गाइज दूसरा स्टेप ये है हमारा, दूसरा स्टेप भी आराम से देखते रहिएगा, अभी 3 स्टेप बाकी है। तो दूसरे स्टेप में हमें चलते हैं इसके अंदर और कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे करना क्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, म्यूजिक के अंदर आके और यहाँ पर जैसे हम लोग रील अपलोड करते हैं, ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ अपलोड करके, एक कमाल का ट्रिक समझ लीजिए गाइस, मैं ये रील अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो एडिटिंग का अगर जो कोई भी आप लोगों को रील्स अपलोड करना है तो मेरा हैशटैग यूज़ कीजिएगा। मेरा हैशटैग कैसे मिलेगा आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर है, जाकर वहाँ से ले सकते हैं। अगर जो इस वीडियो के ऊपर 200+ कॉमेंट हो जाता है तो, ठीक है, 200+ कॉमेंट कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को हैशटैग दे दूँगा व्हाट्सएप के ऊपर, आराम से मैं सबको दिया था पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये जो है
अब यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हैं, ये हैशटैग आप लोग को एक ही हैशटैग रोजाना यूज़ करना है, ठीक है, फोटो एडिटिंग में एक ही, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ। और दूसरा चीज़, आप लोग को अगर जो फोटो एडिटिंग का अगर जो रील अपलोड कर रहे हैं तो आप लोग को ऐड टॉपिक के अंदर आ जाना है, ध्यान रखना है, ऐड टॉपिक के अंदर आना है, ये दूसरा स्टेप है, ध्यान रखना है आप लोग को। ऐड टॉपिक के अंदर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेट मतलब फास्ट रहेगा तो अच्छे से वर्क करेगा। सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे, स्टाइल्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे। तीन टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, तो थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आप लोग को मिलेगा यहाँ पे विजुअल आर्ट यानी फोटोग्राफी वगैरह। तो हम लोग एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं तो यहाँ पे फोटोग्राफी को यूज़ कीजिएगा और विजुअल आर्ट यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने तीन जो है अपलोड कर दिया है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे चौथा करेंगे तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि तीन ही हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो तीन सेलेक्ट करके गाइस डन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को टैग पीपल का ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके जिस आईडी से आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसी को यहाँ पे टैग कर देना है। तो मैं जिस आईडी से यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ उसी को टैग कर देना है, ठीक है। तो मैं इसी आईडी से अपलोड कर रहा हूँ तो इसी को टैग कर दूंगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लोकेशन कोई मायने नहीं रखता है, लोकेशन मत डालिएगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये हाई क्वालिटी जो है ऑन रखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग जब भी अपलोड करने जाते हैं, जो रील ऊपर जो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर रहे हैं जो भी, तो आके इसके ऊपर दो तीन बार इसको दबा दीजिएगा, ठीक है, और इनेबल करके बैक आके फिर इसको अपलोड कीजिएगा, ठीक है। और अपलोड जैसे होगा यहाँ पे देख सकते हैं फिनिशिंग अप लिखेगा, जैसे ही आप लोग का फिनिशिंग अप लिख के जैसे ही होम स्क्रीन पे आ गया गाइस, तो आप लोग क्या करना है, अपना आईडी जो है चेंज कर देना है। यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यार इंस्टाग्राम 2 घंटे के लिए गाइस बंद कर देना है, नेट को भी 2 घंटे के लिए बंद कर देना है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, नेट को ऑफ कर देते हैं। यही चीज़ आप लोग को करना है। दूसरा स्टेप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप भी गाइस जान लीजिए क्या करना है, तो चलिए तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टेप ये है हमारा कि किस टाइम पे गाइस हमें अपना वीडियो जो है अपलोड करना है, रील्स अपलोड करना है और फोटो कब अपलोड करना है, ठीक है। टाइमिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कब अपलोड करना है। तो इंस्टाग्राम पे अगर जो हम जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो सॉरी अपना वही आईडी खोल लेता हूँ, नेट को भी ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये अपना आईडी खोल दिया, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे करना क्या है, ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है गाइस इसके अंदर आते हैं। आने के बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल फॉलोअर्स जो है गाइस यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस अब सबसे लास्ट में जाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉलोअर्स जो है कब एक्टिव रहता है, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत लोग जानते हैं लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे गाइस आप लोग का 6 PM, ठीक है, 6 PM पे ज़्यादा रहते हैं, यानी शाम को 6 बजे आप लोग को रील्स अपलोड करना चाहिए और सुबह 6 बजे आप लोग को फोटो अपलोड करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ गाइस, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे अपलोड करें, ठीक है। मैं कभी भी कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास फॉलोअर्स हैं, कभी भी देखेंगे तो वायरल हो जाएगा। तो आप लोगों को फॉलोअर्स बनाने के लिए टाइमिंग पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बेस्ट टाइम बताता हूँ आप लोग को, 8 बजे सुबह में गाइस फोटो को पोस्ट करना है, ठीक है। और मेरा भी उसी टाइम पोस्ट आता है तो आप लोग प्लीज़ यार सपोर्ट किया कीजिए। 8 बजे आप लोगों को फोटो पोस्ट करना है, ध्यान रखना है फोटो। एंड अब रील्स कब पोस्ट करना है, दिन में 3 रील डालना है आप लोगों को, कैसा भी एडिटिंग का 3 रील डालना है किसी भी तरह। एक दिन में मतलब सुबह 11 बजे डाल दीजिएगा रील्स को और दूसरा 1 बजे डालिएगा। अब 1 बजे में ये बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस 12 बजे जो है हमारा इंस्टाग्राम का आईडी रिफ्रेश होता है, ठीक है, रिफ्रेश होता है, यहाँ पे रीच वगैरह चेंज होता है, तो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो 1 रील डाल देंगे सुबह 11 बजे, 1 रील डाल देंगे 1 बजे और 1 रील डाल देना है शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे। तो आप लोगों को 3 रील अपलोड करना है कंटिन्यू, सिर्फ 20 दिन तक मुझे फॉलो कर लीजिए ये मेरी बातों को, तो देखिए गाइस आप लोग का कमाल का एडिटिंग का जो रील है 100% वायरल होगा, ठीक है, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को आई होप कि तीसरा स्टेप भी आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अब चौथा स्टेप की तरफ चलते हैं, चौथा स्टेप में क्या करना है। तो गाइस अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ, चौथे स्टेप में हमें क्या करना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस। चौथा स्टेप जो है हमारा ये रहेगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर 2 घंटे के बाद जब हम अपना आईडी देखने जाएंगे, ठीक है, तो दूसरे आईडी से एक स्टोरी लगा दीजिएगा। और इसको गाइस आप लोग के पास जितना भी मतलब आप लोग के पास जितना भी आईडी है, आसपास जितना भी आईडी है, एक शेयर कहीं भी कर दीजिएगा, कहीं भी एक शेयर कर दीजिएगा और एक सेव कर दीजिएगा, ठीक है। ये प्लस चाहिए आप लोगों को इसको वायरल करने के लिए, काफ़ी अच्छा ट्रिक है। मैं गाइस जैसे अपलोड करता हूँ मेरे पास कई सारा आईडी है तो मैं जल्दी जल्दी उससे सेव और एक एक शेयर कर देता हूँ, ठीक है।
और गाइज यार चौथा स्टेप भी आप लोग को मालूम हो गया होगा, और लास्ट पांचवा स्टेप आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए ठीक है। और पांचवा स्टेप ये है गाइज कि कभी भी मेरा आईडी सर्च कीजिएगा टूटू, ठीक है टूटू सर्च कर देते हैं यहाँ पे, जिस म्यूजिक पे मैं रील बना रहा हूँ ठीक है, रोजाना जिस म्यूजिक पे मैं रील बना रहा हूँ उसी म्यूजिक पे आप लोगों को रील को क्रिएट करना है ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रील्स कैसे मतलब किस टाइम पर, मतलब उसी के अंदर मैंने बोला किस टाइम पर वायरल होगा ठीक है, और कैसे कौन सा म्यूजिक यूज़ करना है, कैसे रील्स को बनाया जाता है, वो चीज़ मैं बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,00,000 चला गया सिर्फ 2 दिन के अंदर में हमारा रील, तो बिल्कुल 100% जाएगा। और इस म्यूजिक के ऊपर अगर जो आप लोग रील बनाते हैं तो वायरल होगा बिल्कुल। आके जाके मेरा आईडी सर्च करके इस म्यूजिक को डाउनलोड करके उसी के अंदर अपलोड कीजिएगा ठीक है। तो इसको एक मतलब डाउनलोड कीजिएगा एक बार मेरे रील्स को, और उसी के अंदर आप लोग को बना के डालना है ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, जो मैं म्यूजिक को यूज़ करता हूँ पाँचवा स्टेप हमारा यही है, उसी म्यूजिक पर आप लोग को रील्स बनाना है। और जो मैंने बातें को बताया आप लोग को 1 स्टेप में 2 स्टेप में 3 स्टेप में 4 स्टेप में, वो चीज़ आप लोग को अच्छे से फॉलो करना है ठीक है। फॉलो कर लेते हैं तो आप लोगों का रील्स 100% वायरल होगा गाइस, कहीं जाने वाला नहीं है, मेरे पे भरोसा कीजिए एक बार ठीक है। तो मैं आप लोगों का हर एक चीज़ सुधार करा दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अच्छा अच्छा नॉलेज भी आप लोगों को मिलता रहेगा ठीक है। तो चलिए गाइस अब से फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, कंटिन्यू रहना है आप लोगों को, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है ठीक है। 10 दिन अपलोड करके छोड़ना नहीं है, 2-4 दिन अपलोड करके छोड़ना नहीं है, सिर्फ 20 दिन अपलोड कीजिए मेरे जैसे ट्रिक बताया वैसे उसको फॉलो करके ठीक है। तो चलिए गाइस आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और जल्दी से यार अगर जो आप लोग को हैशटैग चाहिए तो 200-300 कमेंट जल्दी से पूरा कीजिए इसके ऊपर, और लाइक भी पूरा कीजिए। और एक और चीज़ गाइस, जो मेरा चैनल है ब्लॉगिंग का टूटू ब्लॉग वाला चैनल होगा, चैनल के अंदर ही जाके यार उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही तगड़ा वाला ब्लॉग आने वाला है उसके ऊपर ठीक है। चलिए गाइस बिना देर के वीडियो को अभी एंड करते हैं और नया वीडियो लाएंगे जल्दी से, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग गाइस।